सो आज आप लोगों को हम आलू के पराठे बनाना सिखा रहे हैं। कैसे बनते हैं? सबसे पहले ये गूंदा हुआ आटा है, इसके आप रोले बना लीजिए। अभी बेहतरीन आलू का पराठा, इस तरह से इसको सपाट करें, घुमा के। जो ये हमारे पास गूंदा हुआ आटा है, बेहतरीन तरीके से। इसके बाद थोड़ा सा स्टफिंग लें आलू की, बॉइल्ड आलू, जिसमें हमने ग्रीन चिली, प्याज, धनिया और थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। और इस तरह से रोल कीजिए इसको प्यार के साथ, आराम से, कि कहीं से भी पेड़ा फटे नहीं। आराम से इसको रोल कीजिए। थोड़े से इसको डस्टिंग करेंगे हम अपने फ्लावर से। पैट कीजिए, पैट करने के बाद इसको आप रोलिंग पिन से थोड़ा सा रोल कर लीजिए। और मेक श्योर कि ये गोल घूमे अपने आप। अगर पराठा अपने आप घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो समझ लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे स्किल्ड शेफ हैं। बहुत ही बेहतरीन पराठा बनता हुआ देखिए। और थोड़ा सा आप इसको दोबारा से पलट के इसमें अपना फैट लीजिए, अप्लाई कीजिए हॉट प्लेट पे। गैस थोड़ी सी ऑन और तेज कीजिए, स्मोक पॉइंट पे पहुंचिए और पराठे को रख दीजिए। शेफ से मुलाकात कराते हैं। शेफ सूरज गोसाई होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जैसे ये पराठा बनेगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन के तैयार होता है। तो पराठा ऑलमोस्ट एक तरफ से पक चुका है, तो इसको टाइम है फ्लिप करने का। और ये फ्लिप कर देखिए क्या बेहतरीन गोल्डन इसकी जो लेयरिंग बनी है, कहीं से जला नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, थोड़ा सा डिशेप्ड हो चुका है, कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल इसने पेट में जाना है। थोड़ा सा अप्लाई कीजिए आप बटर, घी, जो आपको पसंद आए, या तो आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। राउंडली इसको अप्लाई कीजिए ताकि इवनली कुक हो। और आपको जो इसके एजेस हैं, एजेस को प्रेस करते हुए, ताकि हॉट प्लेट के प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रहे और इसके अच्छे से एक गोल्डन, एक अच्छा अपीयरेंस आए इसमें। फ्लिप कीजिए अगेन, देखिए बेहतरीन फिट से। और इस साइड से भी हमको ऑयल अप्लाई करना है। चाहे आप सरसों का ऑयल अप्लाई कीजिए, चाहे आप रिफाइंड ऑयल लीजिए, घी और बटर में तो और ही बेहतरीन। फिर से एक बार और फ्लिप किया, अरे ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी टू ईट। चीनी डाल, हाथों हाथ चाय भी बनती हुई, क्योंकि पराठों का चाय के साथ जो मजा है। ये देख इसको, ये देखिए क्या नाश्ता हुआ। अरे पराठा ऑलमोस्ट डन है। वेरी गुड। और यहाँ से मतलब काफ़ी पराठे इस तादाद में होंगे, और इसको आप खा सकते हैं श्रीखंड के साथ या